स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने 7 चैप्टर को कंप्लीट किया, उसकी सभी एक्सरसाइज को। आज हम इसी चैप्टर की समरी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ टू नंबर। कि मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज द कैलकुलेटेड द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एडिशन। कि एक ही नंबर को जब हम उसमें बार बार एड करते हैं बच्चों, उसी के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, 2 + 2 + 2 = 6। लेकिन हम इसको कैसे राइट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में? 3 × 2 = 6, क्योंकि ये कितने टाइम्स है? 3 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और 2 है तो 3 × 2 = 6। अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों ही केस में आंसर क्या है? सेम। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, उस नंबर को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, कि जो हमें इससे रिजल्ट मिलता है मल्टीप्लीकेशन के बाद, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद वन, कि किसी भी नंबर को बच्चों जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है? नंबर, सेम नंबर, जैसे 3 × 1 = 3। गॉट इट स्टूडेंट्स? द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 0 इज 0। कि जब किसी नंबर को बच्चों हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट भी क्या आता है? 0। गॉट इट स्टूडेंट? दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। टुडे योर होमवर्क इज लर्न दिस समरी एंड राइट ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।